मैं भी इस बीच अपनी बात रखने आई हूं। आप थोड़ा दूर बैठे हैं मेरे से, लेकिन दिल के बहुत करीब हैं। और करीब इसलिए है कि स्वतंत्र हुआ और जब हमारा संविधान बना तो उस संविधान से अपने खून से इस देश को बनाया। आपने हमारे देश की धरती को सींचा है और हर समय जब बड़े बड़े आंदोलन भी रहे, जब हमारा स्वतंत्रता आंदोलन रहा, तब भी आप लोग आप आगे आए, आप देश के लिए लड़े, आजादी के लिए लड़े, समानता के लिए लड़े। आज देखिए जो देश में परिस्थितियां हैं, मैं चाहती हूं कि दो तरह से आप इनको समझें। सबसे पहले तो जो आपकी अपनी परिस्थिति है, जो आपका अपना जीवन है, जो आपका अपना संघर्ष है, जो रोज सुबह से शाम को जिन समस्याओं का आप सामना करते हैं, जिस तरह से आप हर रोज आपके सामने एक तरह से एक लड़ाई होती है, क्योंकि महंगाई कितनी बढ़ गई है, बेरोजगारी कितनी बढ़ गई है, चाहे परिवार में कितने भी लोग कमाने निकलें, पूरा नहीं होता। जब त्योहार होता है, कुछ खरीदना पड़ता है, बच्चों की फीस भरनी पड़ती है, या कोई बीमार पड़ जाता है, उसका इलाज करना पड़ता है, तो मुश्किलें ही मुश्किलें लगती हैं सामने। और आजकल देश में जो आम आदमी है उसके लिए जीना ही बहुत मुश्किल हो गया है। हर स्तर पर परिस्थितियां ऐसी बन गई हैं कि जैसे आप खास तौर से अपने समाज को देखें तो आपकी एक जल जंगल जमीन की एक संस्कृति है। मेरी दादी जी इंदिरा जी हमेशा कहती थी कि उनके दिल में सबसे ज्यादा आदर आपकी संस्कृति के लिए इसलिए था क्योंकि आपकी संस्कृति में चाहे जल हो, चाहे जमीन हो, चाहे जंगल हो, उसे बहुत आदर से, प्रकृति को बहुत आदर से, और प्रकृति के जो खुद की जो प्रकृति के नियम हैं उनका आदर करते हुए आपने अपने जीवन में नियम बनाए। तो दादी जी हमेशा कहती थी कि सबसे ज्यादा वह आदिवासी संस्कृति का आदर करती थी। इसीलिए जब देश स्वतंत्र हुआ और जब हमारा संविधान बना तो उस संविधान में खास तौर से सबको समान अधिकार मिला, ताकि चाहे वो आदिवासी हो, चाहे दलित हो, चाहे छोटा सा किसान हो कहीं, चाहे अपना कोई कारोबार करता हो, या फिर कोई बड़ा बिजनेस करता हो, या प्रधानमंत्री हो, या मंत्री हो, या कोई रईस आदमी हो, सबका एक समान अधिकार इस संविधान ने हमें दिया। और इस संविधान को बनाने के लिए, हमारी आजादी के लिए, हमारे बड़े बड़े महापुरुष लड़े। तो इस संविधान ने अगर आपको कुछ दिया है तो ये जल जंगल जमीन का जो अधिकार है वो दिया है, वोट का अधिकार दिया है, समानता का अधिकार दिया है, आरक्षण का अधिकार दिया है। अब किसी ने उन्हें खरीदने की कोशिश नहीं की, लेकिन आज जो परिस्थितियां हैं, पूरी मीडिया बिकी हुई है, पूरी मीडिया कुछ बड़े बड़े खरबपतियों की है, आपको सच्चाई दिखती नहीं है, आपको दिख रही है। दो अलग सच्चाइयां हैं, एक तो आपको दिखता है कि जो टीवी पे दिखता है कि बड़े बड़े काम हो रहे हैं, देश आगे बढ़ रहा है, हमारी अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और सब चमकीला और सुंदर दिखता है। कभी G20 की बात होती है, कभी किसी और चीज की बात होती है। जब भी मोदी जी दिखते हैं और अकेले मंच पर, उनसे ये आपको पता चलता है कि कितने एक इंसान की कितनी सत्ता है, कितने बड़े नेता बन गए, यही बताया जाता है। दूसरी तरफ आपका जीवन, दूसरी तरफ आपके संघर्ष, दूसरी तरफ आप किसी ने किया नहीं है। कांग्रेस पार्टी क्या हमेशा प्रयास रहा है कि रोज रोजगार बनाए जाए? तो कांग्रेस के राज में आपको याद होगा सरकारी रोजगार मिलते थे खूब सारे। जो ये सारी जो प्राइवेट इंडस्ट्री है कांग्रेस के ही जमाने में ही बनी और तभी सफल हुई। तो कांग्रेस का पूरा प्रोग्राम है कि आपके लिए रोजगार बनाएंगे।
जो ये कमर तोड़ महंगाई है कि आज पेट्रोल 100 रुपए पार है, डीजल 90 पार है, सोना 73,000 पार, चांदी 90,000 पार, गैस सिलेंडर का तो पूछिए ही मत, 1200-1300 तक आप दे रहे थे। चुनाव आने लगा, मोदी जी ने अचानक कह दिया कि इसको 400 हो गया है ये। तो आप सोचिए, अगर चुनाव के पहले 400 कर सकते थे तो फिर आपको इतने सालों के लिए क्यों तड़प पाया? तो आप सालों के लिए 1000 रुपए, 1100 रुपए, 1200 रुपए क्यों दे रहे थे सिलेंडर के लिए? क्योंकि जब चुनाव आता है तब इनको आपके प्रति हमदर्दी आती है, बाकी समय आपके बारे में सोचते नहीं है। जब ये आते थे चुनाव, पिछले चुनाव के प्रचार के लिए, तो आपको ये दिखाया जाता था जैसे सुपरमैन आ रहे हैं, सारी ताकत इनके पास है कि नहीं? पिक्चर देखी आपने, शक्तिमान वाला देखा? उसी तरह से आते हैं, सारी सत्ता इनके पास, अकेले अकेले ऐसे मंच पर सुपरमैन बनके मिले क्या आपको? महंगाई मैन मिल गए, हर चीज को महंगा कर दिया। अब जब आप उनको देखेंगे मंच पे, तो याद रखिए महंगाई मैन को देख रहे हैं आप, सुपरमैन नहीं है ये। और अगर इतनी ही ताकत होती इनमें जितनी ये लोग सारे कहते हैं, भाजपा के जो नेता हैं, कि मोदी जी में इतनी ताकत है, सारे दुनिया के जो प्रधानमंत्री हैं, जो दुनिया के जो राष्ट्रपति हैं, इनकी तरफ देखते हैं, ये तो चाहे तो चुटकी भर में जंग बंद करा सकते हैं, जो दुनिया में जंग चल रहे हैं, कहते हैं ना ऐसा। हाँ, तो चुटकी भर में बेरोजगारी कम क्यों नहीं की? चुटकी भर में आपकी महंगाई कम क्यों नहीं की? चुटकी भर में आपके पास पानी क्यों नहीं लाए? कभी सोचा है आपने कि आपको बताया क्या जा रहा है और हो क्या रहा है? आप जीवन क्या जी रहे हैं? देश का जो आम आदमी है वो जी क्या रहा है? उसके संघर्ष क्या है? इनको तो मालूम ही नहीं है, ये तो घिर गए हैं सत्ता से। इनके आसपास जो भी लोग हैं इनसे डरते हैं, इनको कुछ कहने से डरते हैं। देखिए, हमने बहुत प्रधानमंत्री देखे हैं, परिवार में भी प्रधानमंत्री रहे दो, सत्ता को देखा है, समझते हैं कि सत्ता में क्या होता है, क्या होता है। सारे चमचे आसपास आ जाते हैं, आ जाते हैं कि नहीं? सब वही कहते हैं जो आप सुनना चाहते हैं। और अगर नेता समझदार ना हो, अगर नेता में ज्यादा अहंकार हो, सब कुछ, सारी देश की संपत्ति उनको दे रखी है। देश का किसान कर्ज लेता है 10,000 रुपए, 50,000 रुपए, 1,00,000 रुपए के लिए आत्महत्या करता है। मैं गई हूं ऐसे किसानों के घरों में, यूपी में ललितपुर में एक किसान के घर गई थी, बेटी रो रही थी, आंसू रुक ही नहीं रहे थे, पिता ने 1,00,000 रुपए के लिए आत्महत्या कर ली। खड़े हुए थे लाइन में खाद लेने के लिए कि खाद मिल जाएगी, कुछ कमाई हो जाएगी। 3 दिन खड़े रहे वितरण केंद्र के बाहर, सरकारी वितरण केंद्र भी नहीं था, प्राइवेट था, क्योंकि सरकारी वाला बंद हो चुका था। खड़े रहे, घर नहीं आई, बेटी कहती रही पानी पी लो, कुछ खा लो, नहीं, अगर मैं लाइन छोड़ूंगा मुझे खाद नहीं मिलेगी। घर आते हैं, कुछ नहीं मिला, घर आते हैं आत्महत्या कर लेते हैं। दूसरे एक किसान लाइन में ही मर जाते हैं, 10,000 रुपए के लिए, 50,000 रुपए के लिए, 1,00,000 रुपए के लिए। और मोदी जी के खरबपति मित्र, उनके लिए मोदी जी ने 16,00,000 करोड़ रुपए माफ कर दिए, 16,00,000 करोड़ रुपए का कर्ज उनका माफ, और किसानों के लिए 1 रुपया कर्ज माफ नहीं किया। कैसी सरकार चल रही है देश में, अपने आप से पूछो। कोई ये नहीं कहता कि उद्योगपतियों को आगे मत बढ़ाओ, बढ़ना चाहिए, रोजगार मिलेगा, चलो आगे बढ़े, लेकिन कभी पहले इस पूरे देश के इतिहास में ऐसा हुआ है कि 5-6 उद्योगपतियों को सारी देश की संपत्ति पकड़ा दी है? देश के बैंक, देश का पैसा, 16,00,000 करोड़ रुपए उनको माफ। 15,000 करोड़ का गन्ने का बकाया होता था यूपी के किसानों का कोविड से पहले, 15,000 करोड़।
इनको आपने 16 लाख करोड़ माफ कर दिए, 15,000 करोड़ का जो गन्ने का बकाया था वो भी नहीं दिया, उसके बजाय 20,000 करोड़ रुपए इन्होंने नए संसद को बनाने में लगा दिए, जबकि अच्छा खासा संसद था। तो सोचिए सरकार सोच क्या रही है, इसकी नीयत क्या है, किसके लिए चल रही है? इस देश के गरीब के लिए चल रही है? इस देश के मिडिल क्लास के लिए चल रही है? इस देश के अधिकारी के लिए चल रही है जो पेंशन मांग मांग के थक गया? कांग्रेस की जहां जहां प्रदेश की सरकार है वहां आज ओपीएस लागू है, भाजपा की सरकारों में लागू ही नहीं है। अधिकारी घबरा रहे हैं, कह रहे हैं हम नौकरी के लिए जब गए थे तो हमें यह आश्वासन था कि रिटायर होंगे तो हमें पेंशन मिलेगा, कि हमारा जीवन अब सुरक्षित है। आज परिस्थितियां क्या है, पता नहीं कि पेंशन के पैसे कहां जा रहे हैं, किसमें डाले जा रहे हैं, घबराहट होती है। तो हर स्तर पे आप देखिए, चाहे किसान के साथ, चाहे आदिवासी के साथ, चाहे दलित के साथ, चाहे महिलाओं के साथ, हर स्तर पे झूठ का बोलबाला है। बस हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम महिलाओं का एक को स्वतंत्र बनाएंगे, ये करेंगे, पैरों पे खड़ा करेंगे, कुछ नहीं हो रहा है। महिलाओं पर अत्याचार होता है, मोदी जी मुंह फेर लेते हैं। बार बार हमने यही देखा, हाथरस में हुआ, पलक भी नहीं झपकाए, उन्नाव में हुआ, जिसने अत्याचार किया उसको बचाया। उसके बाद ओलंपिक वाली जो हमारी मेडलिस्ट है, जब ओलंपिक का मेडल जीत के आई तब मोदी जी ने घर बुलाया, चाय पिलाई, फोटो खिंचवाई। जब वही लड़की सड़क पे बैठ के कहती है मुझे न्याय चाहिए, मेरे साथ गलत हुआ है, मेरे साथ अत्याचार हुआ है, मोदी जी का घर 1 किलोमीटर दूर भी नहीं है, निकल के भी नहीं आते, उसको तब बुलाते नहीं है चाय पे। फिर पूरे देश के सामने बड़े बड़े मंचों पर सारी भाजपा की महिला नेत्रियां मोदी जी पे माला लगाकर कह रही हैं कि मोदी जी ने आरक्षण दे दिया है महिलाओं के लिए। सच्चाई क्या है, जो महिलाओं के लिए आरक्षण दिया है संसद में वो 5-6 सालों तक मिलेगा ही नहीं, वो नाम के वास्ते दिया है। स्कीम्स जो दी हैं आपके विकास के लिए नाम के वास्ते हैं, अगर नाम के वास्ते नहीं